भोपाल के बहुचर्चित रेप केस का आरोपी बरी, कोर्ट ने उठाए पुलिस पर सवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पीड़िता बोली, सिस्टम ने रेप से ज्यादा गहरे जख्म दिए। ये कहते हुए पीड़िता का चेहरा तमतमा गया। आंखों में सिस्टम के लिए गुस्सा साफ नजर आता है। भोपाल की रहने वाली 26 साल की पीड़िता के साथ 2 साल पहले रेप की कोशिश हुई थी। भोपाल जिला कोर्ट ने 26 दिसंबर 2023 को इस मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को बरी कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि पुलिस अधीक्षक भोपाल को फैसले की कॉपी भेजी जाए और दोषपूर्ण जांच करने वाले अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक रूप से कार्यवाही की जाए। खास बात यह है कि पुलिस ने कोर्ट के सामने जो सबूत पेश किए, उस आधार पर कोर्ट को ये कहना पड़ा कि ऐसा लगता है पीड़िता ने पुलिस के साथ मिलकर आरोपी को झूठा फंसाने की कोशिश की। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सवाल खड़ा हो गया है कि पीड़िता के साथ रेप करने की कोशिश किसने की थी। फैसले की स्टडी कर समझा कि आखिर पुलिस ने किस तरह से जांच में लापरवाही बरती। पीड़िता बोली, अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़वा कर मैं झूठ क्यों बोलूंगी। कोर्ट का फैसला आने के बाद भास्कर ने पीड़िता से बात की। फैसले को लेकर पहली प्रतिक्रिया चाही तो वह रोने लगी। वह बोली, कोर्ट ने भले ही आरोपी को रिहा कर दिया हो, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। अफसर अपनी नौकरी को सरकारी समझ सकते हैं, शायद उनके लिए ये एक केस नंबर भर होगा, लेकिन मैं अपनी जिंदगी का ऐसा फैसला लेने की उन्हें इजाजत नहीं दे सकती। बात करने के दौरान टेबल पर हाथ ठोक कर बोली, सिस्टम को मेरी आवाज सुननी ही होगी, मैं फाइलों के बीच इसे दबने नहीं दूंगी। पीड़िता भरे हुए गले से बोली, ऐसी कौन सी लड़की होगी जो खुद 10 फीट गहरे गड्ढे में कूदकर अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़ेगी। एमबीए की पढ़ाई के बाद महीनों अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी से संघर्ष करते हुए असहनीय दर्द सहेगी, जिसे मैं जानती तक नहीं। ऐसे लड़के को आरोपी ठहराने के लिए 2 साल तक संघर्ष करूंगी, शायद मेरे दर्द को किसी ने महसूस ही नहीं किया। माँ बोली, लाखों का पैकेज था, आज पार्ट टाइम नौकरी करना पड़ रही है। पीड़िता ने बताया, माँ ने संघर्ष कर अकेला पाला है। ये लक्ष्य तय करते हुए बड़ी हुई कि बुढ़ापे में माँ का सहारा बनूंगी। घटना के बाद मेरी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, मल्टीनेशनल कंपनी का लाखों का पैकेज छोड़ना पड़ा। आज हालात ये है कि मैं लगातार 8 घंटे नहीं बैठ सकती। आज भी इतना दर्द होता है कि आँखों में आंसू आ जाते हैं। पीड़िता की माँ भी इस फैसले से नाखुश है। उन्होंने कहा, काबिलियत होते हुए भी मेरी बेटी को मजबूरी में पार्ट टाइम नौकरी करनी पड़ रही है। उस दरिंदे की वजह से आज वह उस लायक नहीं रह गई कि किसी बड़ी फर्म में जॉब कर सके। सरकार से आस थी, लेकिन घटना के चंद दिनों बाद ही बड़े बड़े वादे करने वाले नेता अफसर सब उन्हें भूल गए। पीड़िता की मां ने कहा कि उस वक्त नौकरी का वादा करने वाले नेता मंत्रियों ने ये तक नहीं पूछा कि घर खर्च कैसे चला रही हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।